दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मुठ मारने का मतलब अपने आप को जड़ से समाप्त ही करना है। अगर तुम्हें यही पसंद है तो दोस्त समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही जल्द काला अंधेरा आने वाला है, और यह जानने के बावजूद भी इस गंदे कर्म को करते ही रहे तो फिर नपुंसक बनने के लिए भी तैयार हो जाओ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी कोई मजाक के लिए नहीं बनाई गई है। नहीं दोस्तों, यह एक रियल स्टोरी है जो मुझे मदन ने चैट में बताई। मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और आप इस गंदी आदत को छोड़ सको और अपने जीवन को एक सही दिशा दे सको। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक टॉपर स्टूडेंट की है। कैसे यह हाथ हिलाने की बीमारी ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। शुरू करते हैं कहानी मदन की जुबानी। हेलो सर, मेरा नाम मदन है। अभी मैं 19 साल का हूँ और मैं पिछले 4 सालों से हस्तमैथुन कर रहा हूँ और इसके जाल में बुरी तरह फंस चुका हूँ। मेरा शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया है और अब मुझे कुछ याद नहीं रहता। सोचने समझने की शक्ति खत्म सी हो गई है। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हुआ करता था। सभी टीचर सुबह से दोपहर मेरी प्रशंसा किया करते थे। हमारे स्कूल में जब भी टॉपर्स की लिस्ट लगती तो उनमें मेरा नाम जरूर आता। लेकिन जब से मुझे यह हस्तमैथुन जैसी गंदी लत लगी है, तभी से मेरा जीवन एकदम से बर्बाद सा हो गया है। मैं अभी पढ़ाई में इतना कमजोर हो गया हूँ कि फेल होते होते बचा हूँ। मेरे सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल चली सी गई है। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं स्टेज पर खड़े होकर हमारे स्टूडेंट्स भाइयों को पढ़ने के लिए इंस्पायर किया करता था, और आज मुझे लोगों के सामने तक जाने से डर लगता है और मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल ही खत्म सा हो गया है। मुझे यह गंदी आदत अपने स्कूल के दोस्तों से लगी। वो लोग इसके बारे में हमेशा बात किया करते थे। पहले तो यह सब मुझे बहुत नॉर्मल लगता था। मैं उनकी इन सारी बातों को मजाक के तौर पर लिया करता। फिर एक दिन उन्हीं दोस्तों से सुनकर मैंने हस्तमैथुन किया। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, उस वक्त मुझे बहुत आनंदित महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं इसका आदी होते गया और कभी कभी तो काम वासना मुझ पे इतनी ज्यादा हावी हो जाती थी कि मैं दिन में 4 से 5 बार हस्तमैथुन कर देता था, जिसके कारण मेरा शरीर कमजोर सा होने लगा, जिससे मेरे कमर और जोड़ों में दर्द होने लगा और मेरे आँखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर एक दिन मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे एक वीडियो दिखी। उसमें ब्रह्मचर्य के फायदे बताए गए थे और वह वीडियो मी इंस्पायर्ड चैनल की थी। दोस्तों, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये ब्रह्मचर्य भी कुछ होता है या आयुर्वेद में ऐसा कुछ लिखा होगा, लेकिन जब मैंने इस विषय पर गूगल रिसर्च किया तो मेरे एकदम से होश उड़ गए। मुझे लगा मैं अब तक अपना जीवन बर्बाद कर रहा था और मुझे इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं पता चला। फिर मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और आपकी सारी वीडियोस देख डाली। आपने मुझे सलाह दी कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं तो कुछ ही महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर मैंने आपकी सारी वीडियो देखी। उससे मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला और हस्तमैथुन को छोड़ने में काफी मदद मिली। आपने उसके बारे में विस्तार से एक एक टॉपिक बताया है और मैं आज ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। अभी मुझे 50 दिन हुए हैं। मैं अपने शरीर में ब्रह्मचर्य की ताकत को महसूस कर पा रहा हूं और मेरा माइंड भी पहले से ज्यादा सकारात्मक और अच्छा हो गया है। अब दिमाग में गंदे विचार नहीं आते और मन प्रसन्न रहता है। अब मैं कसम खाता हूं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज के हर युवा को ब्रह्मचर्य के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ब्रह्मचर्य ही असली जीवन है। देखा दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अभी से इन 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग कर दो। पहला है स्मरण। किसी सुंदर युवती स्त्री के रूप, लावण्य अथवा हाव भाव, कटाक्ष एवं श्रृंगार का स्मरण करना, कुत्सित पुरुषों की कुत्सित क्रियाओं का स्मरण करना, अपने द्वारा पूर्व में घटी हुई मैथुन आदि क्रिया का स्मरण करना, भविष्य में किसी स्त्री के साथ मैथुन करने का संकल्प अथवा भावना करना, सभी मानसिक मैथुन के अंतर्गत हैं। इनसे वीर्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में नाश होता है और मन पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है। ऐसा कोई संकल्प ही न करे और यदि हो जाए तो उसका तत्काल विवेक एवं विचार के द्वारा त्याग कर दे। दूसरा है श्रवण। गंदे तथा कामोद्दीपक एवं श्रृंगार रस के गानों को सुनना,
श्रृंगार रस का गद्य पद्यात्मक वर्णन सुनना, स्त्रियों के रूप लावण्य तथा अंगों का वर्णन सुनना, उनके हाव भाव कटाक्ष का वर्णन सुनना, काम विषयक बातें सुनना आदि, ये सभी श्रवण रूप मैथुन के अंतर्गत हैं। ब्रह्मचारी को इन सभी प्रकार के श्रवण का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा है कीर्तन। अश्लील बातों का कथन, श्रृंगार रस का वर्णन, स्त्रियों के रूप लावण्य, यौवन एवं श्रृंगार की प्रशंसा तथा उनके हाव भाव कटाक्ष आदि का वर्णन, विलासिता का वर्णन, कामोद्दीपक अथवा गंदे गीत गाना तथा ऐसे साहित्य को स्वयं पढ़ना और दूसरों को सुनाना तथा कथा आदि में ऐसे प्रसंगों को विस्तार के साथ कहना, ये सभी कीर्तन रूप मैथुन के अंतर्गत हैं। ब्रह्मचारी को इन सब का त्याग कर देना चाहिए। चौथा है प्रेक्षण। स्त्रियों के रूप लावण्य, श्रृंगार तथा उनके अंगों की रचना को देखना, ऋषि सुंदरी स्त्री अथवा सुंदर बालक के रूप या चित्र को देखना, नाटक सिनेमा देखना, कामोद्दीपक वस्तुओं तथा सजावट के सामान को देखना, दर्पण आदि में अपना रूप तथा श्रृंगार देखना, यह सभी प्रेक्षण रूप मैथुन के अंतर्गत हैं। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह जानबूझकर तो इन वस्तुओं की देखे ही नहीं, यदि भूल से इन पर दृष्टि पड़ जाए तो इन्हें स्वप्नवत मायामय नाशवान एवं दुखरूप समझकर तुरंत इन पर से दृष्टि को हटा ले, दृष्टि को इन पर ठहरने न दे। पांचवा केली। स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करना, नाचना गाना, आमोद प्रमोद के लिए क्लब वगैरह में जाना, जल विहार करना, फाग खेलना, गंदी चेष्टाएं करना, स्त्री संग करना आदि, ये सभी केली रूप मैथुन के अंतर्गत हैं। ब्रह्मचारी को इन सब का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। छठा श्रृंगार। अपने को सुंदर दिखलाने के लिए बाल सवारना, कंघी करना, काकुल रखना, शरीर को वस्त्राभूषण आदि से सजाना, इत्र फुलेल लवेंडर आदि का व्यवहार करना, फूलों की माला धारण करना, अंगराग लगाना, सुरमा लगाना, उपटन करना, साबुन तेल लगाना, पाउडर लगाना, दांतों में मिस्सी लगाना, दांतों में सोना जड़वाना, शौक के लिए बिना आवश्यकता के चश्मा लगाना, होंठ लाल करने के लिए पान खाना, यह सभी श्रृंगार के अंतर्गत है। विवाहित स्त्री पुरुषों को भी ऋतुकाल में सहवास के समय के अतिरिक्त और समय में इन सभी श्रृंगारों से यथासंभव बचना चाहिए। सातवां गुह्य भाषण। स्त्रियों के साथ एकांत में अश्लील बातें करना, उनके रूप लावण्य, यौवन एवं श्रृंगार की प्रशंसा करना, स्त्रियों से अत्यधिक हंसी मजाक करना, यह सभी गुह्य भाषण रूप मैथुन के अंतर्गत है, ब्रह्मचारी के लिए सर्वथा त्याज्य है। अंत है स्पर्श। काम बुद्धि से किसी स्त्री अथवा बालक का स्पर्श करना, चुंबन करना, आलिंगन करना, कामोद्दीपक पदार्थों का स्पर्श करना आदि, यह सभी स्पर्श रूप मैथुन के अंतर्गत है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले के लिए त्याज्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।